हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकता होम फूड्स। आज हम बनाएंगे नो फ्राई मंचूरियन। मंचूरियन किस बात का बनाएंगे? मंचूरियन बनाएंगे हम नगेट्स का। तो ये मैंने लिया है अराउंड 50 ग्राम्स नगेट, 50 ग्राम्स ऑफ नगेट्स। और ये एक टोमेटो सॉस है, ये वनीगर है, ये सोया सॉस है, ये आप देख रहे हो जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 3 ग्रीन चिलीज हैं, थोड़े से स्प्रिंग अनियंस हैं, थोड़ी सी ब्लैक पेपर है जिसे हम थोड़ा क्रश कर लेंगे, नमक है, आधा नमक हम जब नगेट्स बॉईल करेंगे तब डालेंगे और आधा हम बाद में डालेंगे। ये थोड़ी सी मैंने ग्रीन कैप्सिकम ली है, थोड़ी रेड कैप्सिकम ली है और ये है एक अनियन। और ये पानी रखा है मैंने बॉईल करने के लिए। एक कढ़ाई लेंगे हम बाद में इसको बनाने के लिए, तड़का कर लगाने के लिए इसका। तो ये जो सब्जियां हैं आप देख रहे हो, मैंने ये कट नहीं करी है क्योंकि मैं आपको अंदाजे के लिए दिखा रही हूँ कि बस इतनी इतनी सी मैंने ली हैं, तो इसी को मैं कट कर लूंगी। और ये जो भी है, ये जो सामान हमने डालने हैं सॉसेस, ये भी मेरे चम्मच आप देख रहे हो स्टैंडर्ड चम्मच, इन्हीं में मैं लेके अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना हमें चाहिए। मीनवाइल ये पानी मैंने बॉयल होने रख दिया है, जो कि ये बॉयल हो रहा है तो इसमें हम जो है आधा ये है सॉल्ट डाल देंगे, सो दैट जो नगेट्स हैं वो अंदर से सॉल्टी हो जाएंगे और नगेट्स को इनके अंदर डाल देंगे। और इनको बॉईल करके ये मेरे पास एक छन्नी है, इसमें हम इसको छान देंगे। तो लेट इट बॉईल। मीनवाइल ये हम ये सारा सामान जो है जितना जितना हमें चाहिए हम उतना ले लेंगे और ये सब्जी भी कट कर लेंगे। ये प्याज जो है ये आप देख रहे हो, ये हमने इस तरह से इसको खोल लेना है, ये जो इसकी परतें होती हैं ये एक एक करके हमने इसको खोल लेनी है। ये इस तरीके से देखिए, सिंगल सिंगल हम इसको कर लेंगे, इस तरह से हम नहीं लेंगे इसको ताकि अंदर से फ्राई नहीं होता। तो थोड़ा सी इसको सब हम इसकी ये निकाल लेंगे पड़ते तो ये इजी हो जाएगा। ये नगेट्स हमारे बॉईल हो गए हैं, मैंने इंडक्शन पे रखा हुआ है 130 हीट पे रखा हुआ है इसको, और ये बॉईल हो गए, इसको हम बंद कर देंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये नगेट्स जो है हमारे बॉईल हो गए हैं, इसको हम जो है मैंने आपको दिखाया था इस छन्नी में, हम इसको सिंक में छान लेंगे। ये नगेट्स का मैंने पानी निकाल के इसी पतीले के ऊपर इस तरह से रख दिया है ताकि इसका जो है पानी निकल जाए। मीनवाइल मैं सब्जियां कट कर रही हूँ, जो भी कट नहीं हुई है मैं और भी कट कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं सारी सब्जियां मैंने कट कर ली है, ये कैप्सिकम इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर कट कर ली है, रेड वाली भी कट कर ली है, और ये मिर्ची को मैंने इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया। अगर आप चाहें तो आप छोटा छोटा भी इसको कट कर सकते हैं। प्लस ये मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है 1 स्पून, 1/2 स्पून ब्लैक पेपर जो मैंने ली थी उसको क्रश कर लिया है, सॉल्ट जो आधा बचा था 2 टीस्पून मैंने सॉस ली है टोमेटो सॉस, ये आधी टीस्पून मैंने शुगर ले ली है, वो भी ऑप्शनल है इफ यू वांट टू पुट, अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू पुट डोंट पुट। ये वेनेगर है 1 टीस्पून और ये सोया सॉस है 1 टीस्पून। ये अनियंस को मैंने कट करके इस तरह से ओपन कर लिया है, ये हमारी स्प्रिंग अनियंस है और ये हमारे नगेट्स हैं। और ये ऑयल लिया है मैंने, ऑयल भी ऑप्शनल है, आप रिफाइंड ऑयल यूज करना चाहते हैं, बटर यूज करना चाहते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज करना चाहते हैं या ऑलिव ऑयल यूज करना चाहते हैं। तो ये पैन जो है अब हम गर्म कर देंगे, और मैं जनरली इसमें भी हम मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इफ यू डोंट वांट यू कैन यूज रिफाइंड ऑयल और ऑलिव ऑयल। सो फर्स्ट मेरे पास रिफाइंड ऑयल आज खत्म हो गया है, ऑलिव ऑयल भी वर्जिन वाला है, आई कैन नॉट यूज इट फॉर हाई फ्लेम कुकिंग ऐसे वाला, तो वो सैलेड के लिए यूज करते हैं, तो मैंने मस्टर्ड ऑयल ही ले लिया है। तो जैसे ये तेल हमारा गर्म हो जाता है तो सबसे पहले इसमें हम क्या डालेंगे, सबसे पहले हम इसमें चिलीज डाल देंगे। अगर आपके पास गार्लिक है तो आप गार्लिक डाल सकते हो, अगर आप कई लोग नहीं खाते हैं तो नहीं डालिए। और अगर जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरे पास तो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज किया है, तो ये जो है पहले आप इसमें मिर्ची डाल देंगे, मैंने जैसे कहा लहसुन है तो आप छोटा छोटा लहसुन इसमें पहले डाल सकते हैं। उसके बाद जो है ये हमने अनियंस डाल दिए हैं इसमें, अनियन जरा सा मतलब कि कुछ सेकेंड तक आप इसको करेंगे साथे, और साथ में जो है हम इसमें अपने कैप्सिकम भी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता इसको, बहुत हाई फ्लेम में पकाना होता है मंचूरियन वगैरह या चिली चिकन जब इनको तड़का लगाते हैं, तो इस तरह से हम इसको पकाएंगे। और जैसे ही हल्का सा ये पक जाएगा, बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है हम इसको, तेज से बस खिलाते लाते हमने इसको कुक करना है। और जैसे ही आप समझ लीजिए कि आप इसको बस अराउंड 50 सेकेंड्स या 1 मिनट आप कह सकते हैं, 1 मिनट इसको आप इस तरह से पकाएंगे, क्योंकि मैं अभी 1 मिनट इसको पका लेती हूँ। ये 1 मिनट हमने पका लिया है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले जो है सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस जो है इसका कलर बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने पहले जो है सोया सॉस डाली है। उसके बाद हम इसमें टमाटो सॉस डाल देंगे, टमाटो सॉस और सोया सॉस मिलकर बहुत अच्छा कलर आता है। गैस हम थोड़ी धीरे कर देंगे इस समय, और साथ ही हम इसमें जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे,
प्लस हम इसमें जो नमक है ये भी डाल देंगे। नमक आप चेक कर लीजिए, मतलब नगेट्स में भी हमने थोड़ा नमक डाला और इस मसाले में भी डाला थोड़ा सा, सॉसेज में भी नमक होता है तो उस हिसाब से आपको नमक यूज करना है। इसी में मैं थोड़ी सी ये चीनी डाल देती हूँ, ये जो ऑप्शनल है, इफ यू वॉन्ट टू पुट इट्स फाइन अदरवाइज डोंट पुट। ये ब्लैक पेपर है क्योंकि हमने हरी मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं ली है तो मैंने ब्लैक पेपर थोड़ी ज़्यादा कर दी है, ये हमने इसमें डाल दिया। और ये सारा मसाला देखिए कितना कलरफुल और ब्यूटीफुल लग रहा है। ये जो हरी प्याज है वो आधी मैं अभी डाल रही हूँ, आधी मैं ऊपर से डालूंगी। वाह, कलर लुक सो नाइस, तो यही पहले टेम्पटिंग लगता है एंड द फ्लेवर विच इज कमिंग, पता चल रहा है कि हाँ ये भाई कुछ मंचूरियन टाइप या चिली चिली वाला कुछ बन रहा है। चिली नगेट्स यू कैन कॉल इट, और यू कैन कॉल इट नगेट्स मंचूरियन, जो भी आप बोलना चाहें, पर टेस्ट इज ऑसम। तो हम इसको बोल देंगे चिली नगेट्स। ओके, तो अभी ये भी हो गया। अब इसमें हम जो है ये जो हमने नगेट्स बॉईल करें ये हम इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हो ये नगेट्स जो है मैंने इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया, इट इज़ ओनली बॉयल। तो जो ऑयल हमने यूज़ किया है वो सिर्फ जो तड़का जो हमने लगाया है उसी में यूज़ किया है। और ये जो है इस तरह से देखिए इसको हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे इसमें, ताकि जितनी भी सॉसेज हैं ये सारी नगेट्स के अंदर चली जाए। ये इस तरह से देखिए आप, बहुत सुंदर है। मतलब एक अगर आप कम ऑयल डालेंगे तो जो डाइट कर रहे हैं लोग वो भी ये चीज़ खा सकते हैं, प्रोटीन डाइट या कम ऑयल खाना चाहते हैं जो लोग। दिस इज लाइक अ होल मील ओनली, यू कैन जस्ट हैव इट, कोई रोटी चावल की जरूरत नहीं है, यही आप प्लेट भर के खा लो तो वेजिटेबल्स भी सॉसेज भी और नगेट्स भी सब हो जाएगा। तो जैसे ही ये थोड़ा इसको जो है हम अभी एक डेढ़ मिनट तक अच्छे से इसको रोस्ट करते हैं इसी सॉसेज में, सो दैट द सॉसेज आर ऑल इनसाइड दिस नगेट्स। तो थोड़ा फ्राई कर लिया। अब इसमें मैं जो है विनेगर, जो अभी तक हमने डाला नहीं था, विनेगर भी हम इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा और सॉटे कर लेंगे विनेगर डाल के, ताकि विनेगर भी इसके अंदर मिक्स हो जाए। और ये जो बचे हुए ग्रीन अनियन है ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे पूरे के पूरे, और इसको भी हम मिक्स कर देंगे जस्ट थोड़ा कुछ 30-40 सेकेंड के लिए हम इसको मिक्स करेंगे, ताकि ये सब सॉसेज अनियंस में भी मिक्स हो जाएंगी। एंड हियर गोज नगेट्स वाला चिली नगेट्स इज रेडी। बस इसे हम बंद कर देंगे, द चिली नगेट्स आर रेडी। ये आप देख सकते हो इनको मैंने प्लेट में शिफ्ट कर लिया और ये चिली नगेट्स जो है रेडी है। तो आप भी ये चिली नगेट्स बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये इजी एंड क्विक एंड विदाउट ऑयल चिली नगेट्स बनाना कैसी लगी ये रेसिपी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इफ यू रियली लाइक माई चैनल। सो दीज आर लुकिंग वेरी टेम्प्टी एंड आई एम टेम्प्टिंग एंड आई एम गोइंग टू हैव इट।